दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले, अगर आप लोग भी सीएससी भले ही कि कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, अगर आप लोग अभी तक अपना सीएससी के थ्रू बैंक वीसी नहीं लिए हैं तो आपके लिए एक नया सुनहरा मौका आया है जिससे आप अपना यहाँ पर बैंक वीसी ले सकते हैं सीएससी के थ्रू। यहाँ पर सीएससी की एक नई गाइडलाइंस आया है। कौन सा गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस का अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको सीएससी के द्वारा आपको बैंक वीसी मिल जाएगा यहाँ पर। तो आपको कौन सा गाइडलाइंस, उसे कैसे फॉलो करना है, तो आप इस वीडियो में बने रहे। इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रोसेस दिखाने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है दिलखुश, आप देख रहे हैं ऑनलाइन दिलखुश यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल जो बेल आइकन है उसे भी ऊपर ऑल प्रेस कर दे ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों इस कमाल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग एक सीएससी वाली यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, अगर आप लोग भी यहाँ पर सीएससी से बैंक वीसी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले अपना कोई एक ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको लिखना है सीएससी लॉगिन। ये जैसे लिखकर सर्च करते हैं तो आपके सामने फर्स्ट में देख सकते हैं और लॉगिन डिजिटल सेवा कनेक्ट सीएससी, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से यहाँ पर सीएससी का जो न्यू लॉगिन का पेज आया इस तरह से आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको ये कैप्चा डालकर आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से मेरा यहाँ पर देख सकते हैं हम लॉगिन कर चुके अपना आईडी पासवर्ड डाल के। जैसे डाल के लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक पॉपअप आएगा, इसको आप क्लोज करेंगे और इस तरह से अपडेट में आपका केवाईसी करने का ऑप्शन है जो हम अपडेट लेटर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक न्यू ऑप्शन यहाँ पर शो करेगा, यहाँ पर देखिए न्यू टू बिकम ए बैंक वीसी फॉर वीएलई शुड बी हैविंग मैक्सिमम 100 ट्रांजेक्शन पर मंथ और यहाँ पर डीएसपी पोर्टल टू सीएससी आईडी शुड बी 6 मंथ। यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आप सीएससी के थ्रू अपना बैंक वीसी लेना चाहते तो आपको यहाँ पर अपना सीएससी से 100 ट्रांजेक्शन आपको एक मंथ में करना चाहिए। आपको 100 यहाँ पर 100 ट्रांजेक्शन आप चाहे डीजी पे से करें या यहाँ पर सीएससी से पैन कार्ड बनाए, यहाँ पर कुछ भी आप सीएससी से करें तो आपका 100 ट्रांजेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया यहाँ पर मैक्सिमम 100 ट्रांजेक्शन आपको पर मंथ करना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो सीएससी आईडी है 6 मंथ यहाँ पर पुराना होना चाहिए, आपका नया सीएससी आईडी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे। इस यहाँ पर देख सकते एक लिंक मिलेगा यहाँ पर लास्ट में, इसी लिंक पर आप क्लिक करेंगे। इस तरह से लिंक पर क्लिक करें, यहाँ पर देखते हैं आपको अप्लाई और यहाँ पर चेक स्टेटस का ऑप्शन है। यहाँ पर देख सकते हैं वैली शुड बीन हैविंग मैक्सिमम 100 ट्रांजेक्शन यहाँ पर बताया गया है। आप 100 ट्रांजेक्शन मंथली में कर देते हैं तो आपको बैंक वीसी मिल जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पर अप्लाई का एक बटन शो करेगा, यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई वाले पर हम क्लिक करेंगे। अप्लाई वाले पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर हम अप्लाई पे क्लिक कर चुके हैं, मेरा यहाँ पर प्रोसेसिंग लिया जा रहा है तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो अभी यहाँ पर हम क्लिक कर चुके हैं तब पर भी यहाँ पर प्रोसेसिंग लिया जा रहा है तो हम देखते हैं ये ओपन होता कि इस तरह से। यहाँ पर देखिए मेरा ओपन हो चुका है। अभी आप सीएससी के थ्रू बैंक वीसी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बैंक नेम पे क्लिक करेंगे। अभी दो बैंक दिया जा रहा है, इंडियन बैंक और यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का दिया जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का दिया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं जिसका मेरा यहाँ पर ब्रांच यहाँ पर एक जमालपुर गोगरिया है और यहाँ पर एक खगड़िया है। हम जिसका भी अप्लाई करना चाहते हैं हम अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे। इस तरह से अप्लाई पे क्लिक करें, यहाँ पर देखते हैं वीसी ऑनबोर्डिंग रजिस्टर फॉर्म, यहाँ पर देखते मेरा फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखते मेरा यहाँ पर 3-5 स्टेप में मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर बैंक वीसी अप्लाई का प्रोसेस। यहाँ पर देखें अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे, अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे, नहीं तो आपका जो लास्ट नेम है लास्ट नेम यहाँ पर फिलअप करेंगे। आपका ऑटोमेटिक भी फिल रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल ऑटोमेटिक भी फिल रहेगा। सिर्फ आपको मेरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मेरिड या अनमेरिड जो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखते आपको पूछा जाएगा यहाँ पर फादर या मदर, यहाँ पर हम फादर सेलेक्ट करते हैं। फिर अपना फादर का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है, यहाँ पर लिखना है। फिर आपको नंबर ऑफ चाइल्ड, अगर आप यहाँ पर शादीशुदा है कितना चाइल्ड है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं। फिर आपका नंबर ऑटोमेटिक जो सीएससी में दिया होगा यहाँ पे शो करेगा। फिर उसके बाद आपको अल्टरनेट नंबर मोबाइल नंबर है तो वो भी डालिएगा। फिर आपका सीएससी आईडी यहाँ पे शो किया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप पे क्लिक करिएगा, अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो यस कीजिए, नहीं तो हम यहाँ पर नो करते हैं। फिर आपका यहाँ पर कैटेगरी पूछा जा रहा है, आप किस कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी जनरल जो भी आते हो आप वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर अपना वोटर आईडी नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये पर इसमें स्टार नहीं लगा, ये मैंडेटरी नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। फिर आपका पेन नंबर भी शो किया जाएगा, फिर आपका ईमेल आईडी भी शो किया जाएगा। फिर यहाँ पर क्लिक करते थे, यहाँ पर देखते हैं जो ऑनर एग्री लैंड इन विलेज नियर विलेज, आप जहाँ पर भी खोलना चाहते हो वो आपका है, आपका यहाँ पर ज़मीन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे करेंगे। फिर वही पूछ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते बोल रहा है लास्ट एडुकेटेड स्टेटस 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, आप यहाँ पर लास्ट कहाँ तक पढ़े हैं तो 12th तक हम पढ़े हैं तो 12th सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर बोल रहा है नंबर ऑफ ईयर्स रीडिंग रेसिडेंस इन द विलेज, आप कितना साल से वहाँ पर विलेज में रह रहे हो वो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ पर आपका कौन सा जाति है वो यहाँ पर जाति आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे।
फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं पूछा जा रहा आर यू, यहाँ पर देख सकते हैं। और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर कंप्यूटर आपके पास है, यहाँ पर फिंगर डिवाइस है, ये सब है, तो आप क्या करेंगे, यस करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपसे एड्रेस डिटेल मांगा जा रहा है, तो आपको अपना एड्रेस डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, जो भी आपका डिटेल मांग रहा है, फिर आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप एड्रेस डिटेल फिलअप कर लीजिएगा, फिर यहाँ पर जो है बी सी डिटेल फिलअप कीजिएगा, फिर वेरीफिकेशन, फिर अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताएंगे, क्योंकि अगर आप पूरा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताएंगे। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि जो CSE में न्यू अपडेट आया, अगर आप शॉर्ट ट्रांजेक्शन हर मंथ कर लेते हैं तो आप बैंक BC के लिए अप्लाई के लिए प्रोसेस के लिए आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, अपना ओपन कर लेंगे अपना बैंक BC। अगर आप यहाँ पर महीने का शॉर्ट ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो आप बैंक BC का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।